थैंक यू सुखविंदर जी। सरम सतिकार, मेरा नाम हरिंदर है, मैं इस बिजनेस के साथ सेमी डायरेक्ट के साथ फ्रॉम डे वन जुड़ा हुआ और इस बिजनेस को शुरू से देख रहा हूँ। ये क्या है, जनरली हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं तो क्या सोच के आते हैं, बंदे बनाने कि हम कुछ मेंबर बनाने वाली स्कीम में आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में मेरी भी ऑब्जर्वेशन, मेरी भी सोच ऐसी थी कि कुछ मेंबर बनाने वाली चीज है, लेकिन मेंबर बनाने के पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिकता है, सेल होता है तो आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप दुकान को, एक कोई दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कुछ भी इंडस्ट्री लगाते हैं, किसी तरह के भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो कोई माल बिकता है, आपकी सर्विस बिकती है, आपका प्रोडक्ट बन के बिकता है तो आपको पैसे आते हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने दुकान खोली और आपको पैसे आ रहे हैं, ऐसा हुआ किसी के साथ? दुकान खोली है, बंद पड़ी है, शटर नहीं खोला उसका, लेकिन आपके घर पैसे आ जाते हैं, ऐसा किसी के साथ हुआ? जॉब कोई करता है सर्विस में, आप जॉब करते हैं, जॉब पे आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन जॉब पे जाते नहीं है, आपके घर पैसे आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मेंबर बनाने का नहीं है कि भैया मैंने एक बंदा जॉब पे रख लिया, या मैंने एक दुकान खोली, या मैंने इंडस्ट्री लगा ली और मुझे पैसे आए। ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, कुछ बिकता है उसको, उसमें से पैसा आता है, इसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जैक्टली? मल्टी लेवल मार्केटिंग इज जनरली, हम बाकी कंपनियों का मैंने कई बार टोटल लगाया, तो वहां पे क्या होता है कि उनके प्लान्स कुछ इस तरह के हैं कि भी वहां पे स्ट्रक हो जाते हैं, लोग पैसा नहीं कमा सकते। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, वी क्रिएट अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स का, सामान को यूज करने वालों का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस ग्रुप में सामान बिकता है और हमें हमारे लेवल और मेहनत के अकॉर्डिंग बेनिफिट आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? किराने की कितनी दुकानें हैं लुधियाना में आप बता सकते हैं? टेंटेटिव 10,000 दुकान है। क्या 10 की 10,000 दुकान सक्सेसफुल है? नहीं। फर्क कहां है? हर किसी के एफर्ट्स में, हर किसी के काम करने के ढंग में, वो उसमें कितना बिलीव करता है, कितना उसमें डेडिकेटेड है, कितना सही ढंग से काम करता है, उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने बिजनेस में से पैसा बनता है। जब भी हम किसी कंपनी के साथ जुड़ने की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ में आनी चाहिए या हम देखते हैं जनरली। सबसे पहली क्या चीज है, मैं इनको 4 P's में कहता हूं, 4 P या 4 पिलर। अगर आपने आज एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको उस बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए? 4 पिलर्स। विदाउट 4 पिलर के 3 पिलर भी कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं। टुडे आई विल टॉक टू यू अबाउट दीज पिलर्स। नंबर 1, कंपनी जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है? अगर कंपनी की प्रोफाइल ही कमजोर है, उसके पास हमें देने के लिए सर्विसेज नहीं है, उसके पास हमें देने के लिए, प्रोडक्ट बनवाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास कोई R&D नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या वो हमें बेटर बिजनेस दे सकेगी? नहीं। सेकेंड थिंग, कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है? कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन प्रोडक्ट सही नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अगर कंपनी का प्रोडक्ट कमजोर है तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट कैप्चर कर लेगा? नहीं। एक बार आप अपने फेस पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दूसरी बार आप प्रोडक्ट नहीं बिकना होगा। और तीसरी चीज क्या है? प्लान। जिस कंपनी के साथ हम जुड़ के काम करने लगे हैं उसकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन मेरे घर पैसे नहीं आते, इज इट वर्केबल? काम करने योग्य है वो? यहाँ जॉब वाले कुछ बैठे थे, आप जॉब में किस कंपनी में? आप? मैं टोयोटा में। टोयोटा में? टोयोटा, एवरीबॉडी नोज कि टोयोटा बहुत बढ़िया कंपनी है। yes.
कोई डाउट तो नहीं है? टोयोटा अगर आपको दो महीने सैलरी नहीं देती तो आप काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। टोयोटा बहुत बढ़िया कंपनी है, टोयोटा का प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, लोगों को पसंद भी है, चलता भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें काम करने वाले को पैसे नहीं आते हैं तो उसके लिए वो नथिंग। तो ये तीन चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मैंने बात की थी चार पिलर्स की, लेकिन अभी मैंने तीन पे जाके इम्पोर्टेंट कहा है, क्योंकि फोर्थ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो कौन है? पीपल, यानी के हम सब। ये चार पीज हैं जो किसी भी बिजनेस, किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में जिनका अहम रोल रहता है। मैं आज आपके साथ ये तीन पीज की बात करूंगा। चौथा पी मेरे एरिया से बाहर है, बिकॉज ऑफ उसके बारे में आप सोचेंगे कि आप क्या चौथा पिलर बनते हैं इस कंपनी का, इस बिल्डिंग का, इस स्ट्रक्चर का। अगर आप चौथा पिलर बनते हैं तो यू विल आर, अगर आप नहीं बनते हैं तो कोई और बन जाएगा चौथा पिलर। चौथे पिलर में एक नहीं बहुत लोग आएंगे, तो जो जो चौथा पिलर बनेंगे वो इसमें से पैसा कमाएंगे। लेकिन मैं आपसे तीन चीजों की बात करूंगा, वो ऊपर वाली तीन चीजें हैं, दैट इज कंपनी की प्रोफाइल भी। ये हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर मोहम्मद मजीद, इस साइंटिस्ट 1989 में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी अमेरिका से, उटा अमेरिका का एक सिटी है। ये खुद साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहले कुछ जॉब्स की 10-12 साल नौकरी करने के बाद ये डिसाइड कि मैं अपने लिए कोई काम क्यों ना करूं। जॉब कौन कौन करते हैं यहां पर, यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जॉब? मालूम है तकरीबन जॉब करने वाले सबको मालूम है, जस्ट ऑफ ग्रोथ। सारी जिंदगी जॉब करके एंड में कहां खड़ा होता है? जीरो। आप अगर कंपनी को, किसी भी कंपनी में जिसमें आप जॉब करते हैं, 2 रुपए कमा के देते हैं तो तब वो आपको 50 पैसे देती है, पक्की बात है। अगर आप उसको कमाई करके नहीं देते हैं तो वो आपको सैलरी नहीं देती है, इंसेंटिव्स नहीं देती है। इनके दिमाग में आया मैं नौकरी क्यों करूं, मैं अपना बिजनेस क्यों ना करूं, और 1988 में इन्होंने सबिंसा कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी उटा में शुरू की, और 91 में इन्होंने उसके बाद इंडिया में पहली फैक्ट्री लगाई सेमी केमिकल्स के नाम से, और उसके बाद कुछ काम ऐसे करते गए, R&D शुरू की अपनी, पहले ये फाइजर, सिप्ला, फाइजर, टाटा वेलस, उन कंपनीज के लिए रिसर्च करते थे, फिर अपने लिए की, और धीरे धीरे इन्होंने कुछ अपनी R&D करके अपने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए, जिस पे मेहनत करके आज इनके पास 71 पेटेंट्स हैं, 71 पेटेंट्स हैं, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, छोटी बात नहीं है 71 पेटेंट होना। पेटेंट किसी एक के पास एक हो तो उसकी आने वाली पीढ़ियां कहते हैं तरगी। 71 पेटेंट। जब मैं इस कंपनी में पहली बार गया था, ज्वाइन किया था, जो लोग मेरे साथ पहले दिन ज्वाइन किए थे इस कंपनी को, उस वक्त शायद 55 या 57 पेटेंट थे, और जिस दिन ये कंपनी लॉन्च हुई थी उस दिन 63 थे। और उसके बाद एक ग्रुप हमारा बैंगलोर गया था फर्स्ट टाइम जब क्वालिफाई करके, तो उस वक्त ये 69 थे, 69। एंड बिलीव मी, आज से 15-20 दिन पहले हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, प्रोटीन ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। जब उसकी एनर्जी ड्रिंक की लॉन्चिंग पे मैं बैंगलोर गया तो उस दिन हमारे 71 पेटेंट्स थे। मींस एवरी 2-3 मंथ्स ये ग्रो कर रहे हैं। 1.5 से 1.5 साल हुआ है इस कंपनी को लॉन्च हुए, और 1.5 साल में करीबन 13 पेटेंट्स बढ़ गए, तो हर महीने एक नया पेटेंट आ रहा है। एंड डॉक्टर मजीद प्रॉमिस के भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव मोर देन 100 पेटेंट्स, 100 से ज्यादा पेटेंट्स होंगे। तो कंपनी की प्रोफाइल
कंपनी आज करीबन 12,000 करोड़ की टर्नओवर है इंटरनेशनली ट्रेडिशनल में, नॉट इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इंडिया से शुरू की है करीबन 1.5 साल, एंड यू ऑल आर लकी, चाहे आप जो ज्वाइन कर चुके हैं वो, चाहे जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी लकी हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, वी आर 1.5 ईयर बेबी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या आप सोचिए और सोच सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है हमारे, और 1 उटा में अमेरिका में, 1 R&D है, 8 एकड़ में ये हमारा अर्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर है, 120 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे सुबह शाम कुछ नया डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, एंड वी आर द ओनली ISO 22000 कंपनी इन एशिया। ISO 22000 हम सब अकेले हैं, ISO 22000 मिलता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी को, जिसका शुरू से लेके एंड तक का सारे प्रोसेस जो हैं वो इन हाउस होते हैं। सो वी आर द ओनली ISO NABL सर्टिफाइड कंपनी है फॉर केमिकल्स, एंड जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफाई हमारी कंपनी करती है कि ये एक्सपोर्ट होने के लिए काबिल है कि नहीं है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेटर है कि नहीं है। PSIR अवार्ड है हमारे पास, थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड है, बहुत कुछ है। अगर इसकी प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाहते हैं इन डिटेल, semidirect.com पे जाके विजिट कीजिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, जो मैं नहीं बता पा रहा शायद आपको वहां देख के हैरानी हो, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं 4 दिन का काम 15 मिनट में नहीं कर सकता, तो 4 दिन की चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रांग।